हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं सिक्स्थ क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 14 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्राइडीज है। ये पेज नंबर 289 का। इसमें भी जैसे पेज नंबर 286 के ऊपर क्वेश्चन था, वैसे ही क्वेश्चन ये पेज नंबर 289 के ऊपर ट्राइडीज है, इसके अंदर भी है। क्वेश्चन में क्या है वो देखिए। इन स्टेप टू अबव द व्हाट वुड हैपन इफ वी टेक रेडियस टू बी स्मॉलर देन हाफ द लेंथ ऑफ बीसी। ऑफ नहीं है, समझ जाइए। तो अब स्टेप टू के अंदर क्या है, जो ऐसे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में था, यहाँ पर ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया था और ए से सर्कल ड्रॉ किया गया था, उतनी ही रेडियस का बी से सर्कल ड्रॉ किया गया, दोनों आपस में काटे, एक दो पॉइंटों पर मिलाया गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ। फिर पूछा गया था कि क्या जैसे अगर हम जो ये सर्कल की रेडियस लेते हैं वो हम आधे से कम लें तो क्या होगा, तो काटेंगे नहीं तो पॉइंट नहीं आएंगे तो ये मिलाएंगे कैसे, मिलाएंगे नहीं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ होगा। वही बात यहाँ पर 289 पेज पर जो ट्राइडीज है इसके ऊपर भी है। यहाँ पर लाइन सेगमेंट की बजाय है हमारे पास एंगल। अब एंगल के अंदर जो बीसी, अब ये बीसी क्या है ये हम क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। देखिए ये रहा स्टेप वन के अंदर है, एंगल ए ड्रॉ किया गया जिस पर ये दो एरोज है, ए यहाँ पे लेबल किया गया तो ये एंगल ए हो गया, बी लिखा होता तो बी हो जाता। फिर ए को सेंटर मान करके एक आर्क ड्रॉ की गई जो कि जो इन दो एरोज को दो पॉइंटों पे काटती है, बी और सी। स्टेप टू के अंदर कहा गया कि बी को सेंटर मान करके हम एंगल ए के इंटीरियर में एक आर्क ड्रॉ करेंगे, लेकिन वो लेंथ, वो रेडियस जितनी ले करके बी से हमने आर्क ड्रॉ की वो कितनी होनी चाहिए, वो बी सी से ज़्यादा होनी चाहिए, राइट। और फिर उतनी ही रेडियस ले करके सी से एक और आर्क ड्रॉ की गई, उतनी ही रेडियस ले करके आर्क ड्रॉ की गई जो पहले वाली आर्क जो हमने बी से ड्रॉ की थी उसको डी पर काटती है, राइट। तो ये जो चीज़ थी, फिर हमने इसके अंदर जो ऊपर कर रखा है ए को डी से मिला दिया तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। तो स्टेप टू में जो आधे से ज़्यादा का कॉन्सेप्ट लिया गया है उसके बारे में बात है। अगर आधे से ज़्यादा ना लेकर के आधे से कम लेते तो क्या होता, क्लियर है। तो इसको हम समझते हैं, लेट अस डू। ये हुआ एक एंगल, अरे वन और ये टू, एंगल हो गया ये, एरो साइन लगा देते हैं और इसको नाम दिया गया था ए। ए से ये आर्क ड्रॉ की गई। अब इसकी जो लेंथ है वो ये है, राइट। इसको नाम दिया था, ये था बी और ये था सी, लेंथ है वो बी सी की इतनी है, ओके। बी से एक आर्क ड्रॉ की गई जो कि बी सी की लेंथ के आधे से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन अगर आधे से कम हो तो क्या होगा, आधे से अगर कम है तो क्या होगा, एक आर्क यहाँ पे रह जाएगी और एक आर्क यहाँ रह जाएगी, आपस में काटेगी नहीं, अब काटेगी नहीं तो पॉइंट नहीं आएगा,
पॉइंट नहीं आएगा तो फिर हम ए से उस पॉइंट को मिलाएंगे कैसे? मिलाएंगे नहीं, तो फिर परपेंडिकुलर सॉरी एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कैसे होगा? क्लियर हुआ? तो ये कॉन्सेप्ट था। अब अगर हम ये करें कि आधे से ज़्यादा खोल लें तो बी से हम एक आर्क लगाते हैं और फिर सी से आर्क लगाते हैं, ये दोनों आर्क एक पॉइंट पे काटेगी और वो पॉइंट है ये वाला, राइट। फिर हम इस पॉइंट को इस ए से मिलाएंगे तो ये जो होगा ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होगा, ये इसका हाँ एंगल बाइसेक्टर होगा। ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई, क्लियर हुआ आपको? ये थोड़ा सा क्या है फर्क आ गया। अब आप जब ड्रॉ करेंगे तो आपका एग्जैक्ट आएगा। इसको काट करके आओ, ये एंगल ही कट गया। चलिए आप समझ गए ना। तो अब यहाँ से ड्रॉ करते हैं ये लगभग आधा, इसका दो बराबर इसमें बांट रहे हैं एंगल को। क्लियर है? गुड, इसको फील कर देते हैं। दिस वन और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको कि क्यों आधे से कम स्टेप टू के अंदर बात नहीं कही गई, और अगर आधे से कम लें तो क्या दिक्कत हमारे सामने आएगी। ये आर्क्स आपस में काटेगी ही नहीं, और काटेगी नहीं तो ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ भी नहीं किया जा सकता। समझ गए? एक और बना देते हैं वैसे इसके अंदर, अगर आधे से कम की बात होती तो मान लीजिए आप बी से कर दिया, एक आर्क ये हो गई और सी से एक आर्क ये हो गई, काटेगी नहीं, ठीक है? होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं। इफ वी आर टेकिंग द रेडियस ऑफ द आर्क्स विच वर ड्रॉन फ्रॉम बी एंड सी, इफ वी आर टेकिंग द रेडियस ऑफ द आर्क्स विच वर ड्रॉन फ्रॉम बी एंड सी, लेस देन हाफ ऑफ बी सी, देन द आर्क्स विल नॉट कट टू ईच अदर एंड देन वी विल not be able to draw the angle bisector. So it is our need that we will take the radius of the arcs from B and C more than half of BC and not less. क्लियर हो गया आपको? वाओ, ऐसे ही ध्यान से समझिए, कुछ दिक्कत आई है तो आप मुझे बताइए, ठीक है? होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट ट्राइडीज, अगर है तो मैं इसलिए कहता हूँ कि कई बार मैंने कहा कि करेंगे नेक्स्ट, लेकिन वो चैप्टर ही ख़त्म हो जाता है। अब मैंने नहीं देखा, जैसे ही करता हूँ आपके लिए वीडियो बनाता हूँ तो फिर देख लेता हूँ कि भाई ट्राई दी है तो बना दिया वीडियो,
ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो, बाय, ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम।